नमस्कार, फूड क्रेविंग्स अनलिमिटेड में आपका स्वागत है। तो आज की हमारी रेसिपी है फ्राइड मोदक। फ्राइड मोदक गणपति पप्पा का प्रसाद है, तो अब हम देखेंगे इसको कैसे बनाना है। इसके लिए मैंने एक बाउल सूजी ली है। सूजी को हम यहाँ पे एक प्लेट में निकाल लूँगी। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा नमक, और यहाँ पे मैंने घी को गर्म कर लिया है, और इसमें हम डाल देंगे, गर्म घी डालना है उसे कर मोदक एकदम क्रिस्पी होता है बाहर से। अब हम इसको सूजी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसका आटा बना लेंगे। रोटी के जैसे लिए जैसा हम आटा लगाते हैं उस तरह से आटा लगाना है। और इसको हमें 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रखना है। अब हम इसके लिए करेंगे स्टफिंग तैयार। स्टफिंग के लिए हमने लिया है फ्रेश कोकोनट, और उसको मैंने यहाँ पे ग्रेट कर लिया है। 2 छोटी चम्मच सूजी, गुड़, जैगरी यहाँ पे लिया है, और ड्राई फ्रूट्स मैंने यहाँ पे लिए हैं। एक तवे पे मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है। घी गर्म होने के बाद हम उसमें डालेंगे 2 चम्मच सूजी, और अब हम इसको अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसमें अब कोकोनट ऐड करेंगे। ग्रेटेड कोकोनट ऐड करना है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। इसको मिक्स करते रहना है। और अब हम इसमें डालेंगे जैगरी। आपको मीठा कितना पसंद है उसके हिसाब से आप जैगरी डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने आधी कटोरी जैगरी लिया है, और जैगरी मेल्ट होने तक हमें इसको मिक्स करना है। यहाँ देखो गुड़ मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। और लास्ट में डालेंगे हम इलायची का पाउडर। थोड़ा सा इलायची का पाउडर डालने से अच्छा स्वाद आता है। मिक्स कर लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये अपनी स्टफिंग तैयार है। अब हमें इस आटे के छोटे छोटे साइज़ के बॉल बना लेना है। देखो इतना साइज़ हमें लेना है, छोटे नींबू के आकार से थोड़ा कम। इसको ऐसे गोल बनाना है। अब मोदक को हम आकार देंगे, तो दो उंगलियों के बीच में इसको ऐसे दबाना है। इस तरह से ऐसे कलिया कलिया आ जाती है, और बीच में हमें अभी स्टफिंग करना है। यहाँ पे मैं स्टफिंग डाल दूँगी। और इस तरह से इसको पैक कर लेना है। ये देखो हमारा मोदक बनके तैयार है, एकदम अच्छा आकार आया है इसका। इस तरह से मैं सब इसमें बना लूँगी। यहाँ पे मैं सब मोदक बना के तैयार कर लिए हैं।
अब एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और उसमें हम मोदक डालेंगे बनाए हुए, और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम हीट पे रखना चाहिए, मीडियम टू लो हीट पे इसको तलना है। इसको पकने के लिए 3 से 4 मिनट लगते हैं, लो फ्लेम पे तलना है। और जब ये सुनहरे हो जाएंगे, गोल्डन हो जाएंगे, तब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखो हमारे मोदक सुनहरे बन गए हैं। इस तरह से हम सब मोदक बना लेंगे, फ्राई कर लेंगे और हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ पर हमारे सब फ्राइड मोदक बन के तैयार हैं। देखो बहुत ही अच्छा आकार आया है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई रेसिपी। थैंक यू।